जय हिंद दोस्तों। दोस्तों अगर आप दसवीं के बाद इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो इस वीडियो में बताएंगे। अगर आपने दसवीं पास कर ली है, टेंथ पास कर ली है तो आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हो। कैसे करोगे अभी इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप अभी टेंथ क्लास में हो, टेंथ पास नहीं की है, आपको किन बातों का ध्यान रखना है टेंथ के एग्जाम में, क्योंकि कुछ मार्क्स भी मांगे गए हैं दसवीं क्लास के कि इतने मार्क्स होने चाहिए दसवीं में, स्टैचू मतलब ग्रेस नहीं होना चाहिए। पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, ध्यान से देखो। अगर आपने दसवीं पास कर ली है, जो अभी मैं आपको क्वालिफिकेशन जो पढ़ाई है अग्निवीर आर्मी की मतलब कि इंडियन आर्मी की, तो उसकी क्या पढ़ाई है, अगर आपने दसवीं पास किया देख लो, उम्र कितनी चाहिए, सब कुछ बताऊंगा कि कैसे ज्वाइन कर सकते हो, भर्ती कैसे होती है अग्निवीर की मतलब कि इंडियन आर्मी की, अगर इंडियन आर्मी को आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ध्यान से सुनो। अगर आपने दसवीं पास की हुई है तो सबसे पहले आपको पढ़ाई ही बताएंगे। अगर आपने दसवीं पास की हुई है, दसवीं में क्या मांगा जा रहा है, दसवीं में क्या क्वालिफिकेशन मांग रही है, दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप सब अग्निवीर जीडी जनरल ड्यूटी जिसे कहते हो, आप दसवीं पास हो तो ज्वाइन कर सकते हो इंडियन आर्मी को अग्निवीर के थ्रू, अग्निवीर जीडी के थ्रू जनरल ड्यूटी जिसे आप कहते हो। इसके लिए जो पढ़ाई मांगी गई है दसवीं, मैट्रिक पास होने चाहिए और 45% नंबर होने चाहिए दसवीं में। अगर आपने दसवीं की है देख लो, 45% नंबर है, अगर है तो भर्ती की तैयारी करो। अगर अभी दसवीं में हो तो टारगेट लगभग 60% का रखो, जे 45 है, क्या पता आने वाले समय में चेंज हो जाए, अभी 45 है, ठीक है 2023-24 में, ठीक है। उसके बाद हर विषय में, हर सब्जेक्ट में 33% नंबर होने चाहिए। दसवीं कर ली है देखो, हर विषय में 33 से ज्यादा ही नंबर है ना, अगर पांच विषय है, अगर पांच सब्जेक्ट है, आठ है, नौ है, जितने भी हैं आपके, उन सभी को चेक कर लो कि आपके हर विषय में 33 से ज्यादा नंबर ही है और टोटल 45% होने चाहिए। अगर दसवीं में हो तो ध्यान रखना कि ग्रेस ना लगे, मतलब कि 33 से कम कोई भी विषय पास ना करना, ठीक है, कोशिश करना उसका फिर से एग्जाम देके फिर से पास कर लो। अगर हुआ आपका ग्रेस हुआ, स्टैचू लगा हुआ होगा तो आपको बाहर कर दिया जाएगा सीधा। अगर 45% नंबर नहीं है, ओवरऑल C2 ग्रेड है, तो तब भी आप भर्ती देख सकते हो जनरल ड्यूटी में, ठीक है दोस्तों, जो होगी जनरल ड्यूटी, ठीक है। उसके बाद अगर आप दसवीं पास पर अग्निवीर टेक्निकल ज्वाइन करना चाहते हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो, नई क्वालिफिकेशन आई है टेक्निकल की। अगर आप अग्निवीर टेक्निकल को ज्वाइन करना चाहते हो, अभी बताता हूं, सबसे पहले आप मैट्रिक पास होने चाहिए, ठीक है, मैट्रिक पास होने चाहिए, 50% नंबर होने चाहिए टेक्निकल के लिए, और हर विषय मतलब कि जैसे कि इंग्लिश, मैथ और साइंस, इनमें 40 से ऊपर नंबर होने चाहिए, 40% से ऊपर नंबर होने चाहिए और टोटल 50% नंबर होने चाहिए, और 40 से इंग्लिश, मैथ और साइंस में इनके 40 से ऊपर नंबर होने चाहिए, और आपको इसके साथ 2 साल का टेक्निकल ITI का मतलब 2 या 3 साल का डिप्लोमा भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अगर आप टेक्निकल बनना चाहते हो, दसवीं में 50% नंबर और साथ में ITI का 2 साल का डिप्लोमा भी होना चाहिए टेक्निकल के लिए, अगर आप दसवीं के बेस पर पास ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप दसवीं पास हो तो अगर आपने सिंपल दसवीं पास किया, 45% नंबर नहीं है तो सिंपल दसवीं पास है तो आप ट्रेडमैन बन सकते हो, अग्निवीर ट्रेडमैन दसवीं पास तो आप बन सकते हो। इसमें दसवीं पास आपकी होनी चाहिए सिंपल और आप सबकी 33 नंबर हर विषय में होने चाहिए। उम्र मैं आप सबको बता दूं, अगर जीडी में जाना चाहते हो, जीडी में जाना चाहते हो तो 17.5 से 21 वर्ष, 17.5 से 21 वर्ष, टेक्निकल में भी 17.5 से 21, ट्रेडमैन में भी 17.5 से 21। तो जैसे अगर आपके पास जे है, अगर आपने क्वालिफिकेशन भी आप जो बताइए वो है और एज भी है, तो आप एग्जाम की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि अग्निवीर आर्मी इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम का सिलेबस क्या है, मतलब कि एग्जाम में क्या आएगा, वो जल्दी ही इसी चैनल पर Army2 चैनल पे वीडियो मिलेगी। जैसे आप एग्जाम पास करोगे उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद आपकी दौड़ होगी, दौड़ भी 1600 होगी और 5:45 के अंदर आपकी दौड़ होगी, और हाइट भी ली जाएगी, लगभग 170 के आसपास आपकी हाइट होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर के आसपास आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर आप पहाड़ी इलाके से हो तो 163 सेंटीमीटर के आसपास हाइट होनी चाहिए। अगर आप बिल्कुल सही इलाके से हो, जैसे कि यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, इनके आसपास से हो, तो आपको 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद फाइनल मैरिट आएगी, फिर आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हो। और भी अपडेट आपको मिलती रहेगी इसी चैनल पे, तो Army2 चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे ही भर्ती निकल के आएगी, नई भर्ती आएगी तो आपको बता दिया जाएगा। कैसी लगी वीडियो जरूर कमेंट करके बताना। जय हिंद, जय भारत।